हाय दोस्तों, एक बार फिर से सभी को जय माता दी। माता रानी सबका भला करे, संसार में सुख शांति हो और कोई भी प्राणी इस संसार में कभी भूखा ना रहे। दोस्तों, पार्ट टू में हम लोगों ने जाना कि बाबा लाडी साईं जी ने बहुत सारी परीक्षाएं दी अपने गुरु जी को, लेकिन इतनी सारी परीक्षाएं देने के बाद भी अभी एक बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। साईं जी 16 साल बापू जी के पास रहे और उनकी संपूर्ण आज्ञा का पालन करके उनके सबसे प्यारे बन गए। एक बार बापू जी ने जमीन के 30 फुट नीचे कुआं खुदवाया, उसमें बैठने की जगह बनवाई। उन्होंने पहले मोहन से पूछा, कुएं में बैठेगा? मोहन तो पहले से ही इस बात से काफ़ी डरता था या ऐसे काम करने से बहुत डरता था, उसने मना कर दिया। जहाँ गुरु पर भरोसा हो वहाँ डर नहीं रहता। ये इम्तिहान कोई जुल्म के लिए नहीं बल्कि परख के लिए होते हैं। फिर साईं जी से पूछा, कुएं में बैठेगा? साईं जी ने कहा, जी हाँ बैठूंगा। बापू जी ने कुएं में सबसे नीचे साईं जी को बैठाया और 20 फुट ऊपर खुद बैठ गए और ऊपर से कुएं को बंद कर दिया। कुछ दिन बीच में ही रहे, फिर बाहर निकले, फिर बापूजी अकेले ही कुएं में बैठ गए और ऊपर से बंद कर लिया। दिन निकलते रहे पर बापूजी बाहर ना आए। फिर कुछ महीने निकल गए पर बापूजी फिर भी बाहर नहीं आए। पर साईं जी बापूजी को याद करते रहते और उसी तरह अनुशासन से रहते जिस तरह बापूजी के सामने रहते थे। 1.25 साल बाद बापूजी बाहर निकले। उस दिन मेला लगा हुआ था। बापूजी अपनी मौज में आ गए और साईं जी को लाडी कहकर आवाज़ लगाई, पास बुलाया और घुंघरू देते हुए कहा, शेरनी का एक ही बच्चा होता है जो लाखों पर बारी होता है। कहते तू बन गया मुराद शाह और आज के बाद दुनिया तुझे लाडी शाह के नाम से जानेगी। जा अब अपने मुर्शद बाबा मुराद शाह जी की जगह पर बैठ और लोगों की मुरादें पूरी कर। साईं जी ने फिर बाबा मुराद शाह जी के डेरे का निर्माण शुरू करवाया और खुद भी वहीं रहने लगे। कुछ साल बाद एक बहुत ही खूबसूरत दरबार बना। साईं जी के पास दरबार का नक्शा बहुत पहले से बना हुआ था कि आने वाला समय ऐसा होगा। साईं जी हर साल बाबा मुराद शाह जी का उत्सव मनाते और कवाली भी होती। कवाली की महफिल हमेशा एक मलेरकोटला के कवाल करामत अली एंड पार्टी शुरू करते, जिनकी पीढ़ी बाबा मुराद शाह जी के समय से चलती आ रही है। आज भी उन्हीं की पीढ़ी कवाली की महफिल शुरू करती है। एक बार साईं जी ने पैसों की बारी चादर बांधकर उन्हें दी और कहा, करामत अली तेरा मेरा हिसाब पूरा, क्योंकि बाबा मुराद शाह जी ने एक बार कवालों से वादा किया था कि तुम्हारा हिसाब तुम्हारे बेटों और पोतों को लाडी शाह जी पूरा करेंगे, इसीलिए साईं जी ने कितने गुना करके उन्हें दिया। एक बार की बात है, बाबा मुराद शाह जी का मेला आने वाला था। साईं जी कुलदीप मानक पंजाबी सिंगर के पास गए और कहा कि हमारे बाबा जी का मेला आने वाला है और उन्हें गाने के लिए आमंत्रण दिया। कुलदीप जी ने कहा, 3500 लगेंगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थे। साईं जी ने कहा, ठीक है ले लेना। बहुत कम लोगों को तब साईं जी के रुतबे के बारे में पता था। कुलदीप जी ने सोचा, पता नहीं ये पैसे दे भी पाएंगे कि नहीं, और मजाक में कह दिया कि बाबा जी 3500 की तो आप भैंस भी खरीद सकते हो। साईं जी ने कहा, आप मेले पर आओ फिर बात करते हैं। जब वह मेले में आए तो साईं जी ने इतने नोट उनके ऊपर वारे कि मानक जी झुक के माथा टेकने लगे और कहा, साईं जी बस करो, बख्श दो, माफी मांगी। उस दिन ऐसे बख्शे कि आज तक मानक मानक हो रही है दुनिया में। एक और वाक्य जो मास्टर सलीम जी का लाडी साईं जी से जुड़ा है, चलिए वो भी जानते हैं। पूर्ण शाह कोटी मास्टर सलीम के पिताजी भी साईं जी के पास अक्सर आते जाते रहते थे। 1975 में वह साईं जी के साथ जुड़े और एक गहरा प्यार पड़ गया। साईं जी का भी उनके साथ बहुत प्यार था। पूर्ण जी ने जब शादी की तो सबसे पहले साईं जी के पास माथा टेकने आए और जब जाने लगे तब साईं जी ने कहा कि तुम्हारे एक लड़का होगा जिसका नाम तुम सलीम रखना, जिसको सारी दुनिया में शोहरत मिलेगी। हुआ भी ऐसा ही।
मास्टर सलीम ने संगीत की दुनिया में बहुत नाम कमाया। सलीम जी के गीत पहले इतने नहीं चले थे, तब साईं जी ने एक इशारा दिया था और कहा, सलीम जय माता की किया करो। सलीम जी ने अपनी माँ से पूछा कि साईं जी ने ऐसा क्यों कहा, मुझे समझ नहीं आया। उनकी माँ ने कहा, साईं जी ने तुझे माता की भेंट गाने को कहा है। सलीम जी ने माता की भेंटों की एक एल्बम निकाली, जिसके बाद उन्हें बहुत कामयाबी और प्रसिद्धि मिली। फिर कुछ सालों बाद प्रोग्राम आने अचानक बंद हो गए और उनका काम बहुत कम हो गया। वह अपने माता पिता के साथ साईं जी के पास गए और बैठ गए। साईं जी ने पूछा, सलीम क्या हुआ? सलीम जी ने कहा, साईं इतना कुछ चलाकर, इतना कुछ दिखाकर एकदम अंधेरा हो गया। साईं जी ने कहा, डर मत, कभी कभी अंधेरे के बाद ऐसा उजाला आता है जो फिर कभी अंधेरा नहीं होने देता। फिर साईं जी ने पूछा, कहाँ गाना है बता। पर सलीम जी ने कहा, साईं जी जहाँ आप मौका दें। साईं जी ने कहा, ठीक है, फिर जाओ और गाओ, गाओ और गाओ। कुछ दिन बाद सब फिर पहले जैसा हो गया। फिल्मों में भी मौका मिला, बड़े बड़े प्रोग्राम भी मिलने लगे और फिर आसमां को छू लिया। पूर्ण शाह कोटी जी को भी साईं जी ने कहा था कि तुझे फकीरी मिलेगी, और कुछ साल बाद वह भी एक पीरों की एक जगह पर सेवा में लग गए, जहां वे दिन रात सेवा करते हैं। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, देने वाला भी वही है और कम करने वाला भी वही है। बस आप उसका चिंतन करते रहें और आपकी झोलियां भरने वाला भी वही है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।